कभी कभी अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखने वाली माँ और उसे अपने खून से सींचने वाला बाप भी इतना मजबूर हो जाता है कि खुद अपनी ही औलाद से छुटकारा पाने के तरीके खोजने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ गोपालगंज बिहार की जूली के साथ हुआ। बेटा तुम बैठ कर ये बिस्किट खाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ बेटा, रोना मत, हम अभी आते हैं। अभी नन्ही जूली के माता पिता कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि जूली के जोर से रोने की आवाज सुनकर उनके कदम वहीं के वहीं रुक गए। गणपत अपने बच्चे को कंधे पर लादकर अब और नहीं चल सकता था। इस अपाहिज के रहते उनका सारा जीवन बेरंग हो चुका था। दोनों से अपनी इस विकलांग बच्ची का बोझ सहा नहीं जा रहा था और ना ही दोनों उसे मरने के लिए रस्ते पर छोड़ सकते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जूली 21 वर्ष की हो गई। माफ करना बेटा, इसके पैर में जरा दिक्कत है। क्या हुआ है? 2 साल की थी तब से पोलियो विकलांग है। बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे तो आप इसे नारायण सेवा संस्थान ले जाइए ना। नारायण सेवा संस्थान? हाँ अंकल, मेरा इलाज भी वहीं हुआ था। वहाँ जाने से पहले मैं भी इनकी तरह बैसाखियों से चलता था। पर हाँ, वहाँ आपको कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ इनके लिए सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। जी शुक्रिया, चलो बेटा। और फिर कुछ ही दिनों में गणपत और उसकी पत्नी जूली को लेकर नारायण सेवा संस्थान आ पहुंचे। वहां जूली का चेकअप हुआ और जल्द ही इलाज शुरू हो गया। बिहार के निवासी जूली के जीवन में नारायण सेवा संस्थान नया सवेरा लेकर आया। यहां आने से पहले उसके जीवन में ना कोई उमंग थी ना कोई तरह। अब उसकी आंखों में कई सपने जाग उठे हैं और वो उन्हें पूरा करना चाहती है। Happy birthday.